तेरा साथ रहता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है। अभी उसी दिन तो अगर नहीं होता तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। बाचू बिच्छू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते। अभी क्या कर रहे हो बाटुल भैया, मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं। मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खबरें देता हूँ बस। देख रहा है बिच्छू, बाटुल भैया फिर से लंबकर्ण को साथ लेकर निकले हैं। उफ, ये दोनों अगर साथ रहे ना बेटा तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक कहा गुरु, तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं, उसके बाद बाटुल की अकल ठिकाने लगाते हैं। बाटुल भैया, मुझे ना बाचू बिच्छू की आवाज सुनाई दे रही है। वो लोग जरूर कहीं आसपास ही हैं। आप ना सावधान रहना। अरे नहीं नहीं, तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना उनके बस की बात नहीं है। लंबकर्ण भैया, ओ लंबकर्ण भैया, अभी खबर मिली है कि आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आपको शहर जाना पड़ेगा, फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके रेफरी बनना पड़ेगा। क्लब सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहा है, आप जल्दी दौड़कर आइए। क्या कह रहे हो? कुछ भी, मुझे रेफरी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे, तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं? क्या कह रहे हो लंबकर्ण? ऐसा एक ऑफर आया और तुम्हारे लिए और तुम हो कि विश्वास नहीं कर रहे। जा जा जल्दी जा। बाबा बाचू, तुम लोगों ने क्या तो लंबकर्ण पर उपकार किया है। नहीं नहीं, मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदेह करता हूँ। ये लो, तुम दोनों लॉलीपॉप खाओ। बक्से पर किल क्यों ठोक रहा है दोस्त? देखते जाओ, अब मैं बाटुल को कैसे मजा चखाता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है गुरु, तुम्हारे प्लान का कोई जवाब नहीं है। सुनो सुनो बाटुल भैया, अरे सुनो तो, ये छोटा सा बक्सा देख रहे हो ना, इसको जरा उठा के दिखाना, उठा सकते हो या नहीं? जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो देखो, मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये क्या हुआ? खींचना थोड़ा ज्यादा ही जोर से हो गया ना, तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी। कुछ सोचना मत भाई। अरे मर गया रे, रास्ते का टुकड़ा समेत बाटुल भैया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया। अरे बाप रे, बाटुल भैया, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मजाक करते हो। जाओ कर जाओ। पेड़ के साथ इस रस्सी को अच्छे से बांध देता हूँ, उसके बाद टग ऑफ वॉर में देखना कैसे बाटुल भैया को हराता हूँ। इस दीवार की छेद में से रस्सी को निकाल देता हूँ। क्या कहते हो बाचू? गुरु, गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। बाटुल भैया, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इस रस्सी को खींचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों झूठ मूठ ये सब कर रहा है? अच्छे बच्चे की तरह रहो ना, ठीक रहोगे। जाओ जाओ। ए बिच्छू, ये बाटुल भैया तुमसे डर गए हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर में तुझसे लड़ना नहीं चाहते। छोड़ दो ना गुरु, माफ कर दो ना बाटुल भैया को। माफी नहीं, माफी नहीं है बाटुल भैया, आप भी आखिरकार हारी पार्टी बन ही गए। भैया बुलाने में शर्म आ रही है। छी 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 छी। अब बताता हूँ, रुक देख मैं क्या करता हूँ। तुम मेरे गुरु तो हो, पर बाटुल भैया से एक के बाद एक मात खा रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें गुरु नहीं मान पाऊंगा। तुम चुप रहो तो मैं मर रहा हूँ, मेरे सर पर आलू निकल आया है और तुम बकबक कर रहा है। चुप बैठ,
रुक, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, अब बाटुल को बात देकर रहूंगा। अरे बाबा रे गुरु, माथे में आलू के बाद अब तरबूज ना उग जाए। धीरे वत्स, धीरे, सब्र का फल मीठा होता है। अब तैयार करूंगा एक फंदा, उसके बाद देखना होता है क्या। बाटुल भैया, ये आकाश उड़ने वाला यान देख रहे हैं ना, ये आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा। इसमें आप जरा बैठकर देखिए ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। आकाश में आप घूम रहे होंगे और पृथ्वी दिखेगा बहुत सुंदर। आप पक्षियों की तरह जहां तहां उड़ रहे होंगे। तुम्हारी उसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी घूमती है। नहीं नहीं बाटुल भैया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए, हमारी कोई बदमाशी नहीं है। एक बार चढ़ के तो देखिए, फिर पता चलेगा। क्या कहते हुजूर? ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं चढ़कर बैठ ही जाता हूँ, देखिए ना, लेकिन ध्यान रहे कोई दुर्घटना ना घट जाए। बाटुल भैया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। तुम लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े करने का मामला है। हाँ, पता लगेगा भाई, पता लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रोंगटे खड़े होते हैं या सिकुड़ जाते हो। और ऊपर जाइए बाटुल भैया, देखिएगा ठंड की वजह से सिकुड़ जाओगे। नहीं नहीं बाटू, अब देर मत कर, अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे, भेद खोल दे। बाटुल बलून के साथ नीचे गिर पड़ेगा, बाटुल को हम रोलर बनाएंगे, और कोई चिंता नहीं है बाटू। तीरों ने लक्ष्य भेद दिया है, अब तो बैलून फुस बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है। अरे इतने ऊपर से गिरा, पर लगा जैसे किसी गद्दे पर से गिरा हूँ। नाना लौंडे दोनों कहाँ गए, ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया। नहीं नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है। अरे बाटुल भैया, ये क्या हुआ? अरे तुम लोग ऐसे पिचक कैसे गए? किसी ने रोलर चला दिया लगता है। रुको रुको, मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ, हवा घुसेगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत हो गया बाटुल भैया, आप अब हम पर ज्यादा उपकार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब हम और मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। ठीक है, जब मदद ही लेना नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। आकाश में भ्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार। हट, अब अच्छा नहीं लगता। जितनी बार हम बाटुल भैया को मजा चखाने जाते हैं, वो हमें ही मजा चखा देते हैं। हट जा, हट जा बाचू। हट हट, अरे हट रे बाचू, हट हट, अरे बाचू। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को
संदेश भेजने के लिए एक नया पथ पढ़ाऊंगा। अंधा? जी सर। मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ और तुम? जी जी सर। मैं बूंदा को संदेश भेज रहा था सर। क्लास के बाहर जाके जितना संदेश देना है दे, क्लास से बाहर निकल। ठीक है सर, जा रहा हूँ। सर, संदेश भेजने के बारे में अच्छा पढ़ाए है। सच में बूंदा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। क्या बता? संदेश भेजने के बारे में सर हमें जो समझाए हैं, चलो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बूंदा। तुम लोगों का सारा मैं तहस नहस कर दूंगा। बिरजू, हम तो टेलीफोन का तार तो बना लिए। बता कैसा बना है बिरजू? अच्छा बना है बूंदा। हमारा जवाब नहीं है। बिरजू, अभी तारीफ मत कर, पहले देखे तो सही ये काम करता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मैं तो पाठ नहीं पढ़ पाया और तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा। तेरे इस प्रयोग को मैं तहस नहस कर दूंगा। मेरा बात सुन पा रहा है बिरजू? तू मुझे सुनाई दे रहा है बूंदा। ये क्या अंदर, तू यहाँ क्या करने आया है? यहाँ जहाँ जाएगा बूंदा वहाँ वहाँ आएगा अंदा। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्लास का बाहर तू खड़ा था कि सलम नहीं है। छोड़ तार को छोड़, तू छोड़। छोड़ूंगा जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेश तो पूरे दुनिया में फैल गया बूंदा। क्या हुआ बिरजू, तू मुझे शीशा लाने के लिए क्यों बोला? हाँ बूंदा, शीशे से संदेश भेजने का प्रयोग भूल गए। अच्छा, तू इसीलिए मुझे शीशा लाने के लिए बोला? हाँ हाँ, तेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन फिर से हम दो आकर महस कर दिया तो? चिंता मत करो बूंदा, मैं चारों तरफ से देख लिया हूँ, कहीं भी अंदर नहीं है। उफ, बच गए। तो फिर ये ले, मैं संदेश भेज रहा हूँ। ये रहा मेरा संदेश। ये क्या हुआ? ये क्या, मेरा आँख चूंध दिया गया? कौन शीशा चमका रहा है? शैतान, ये बूंदा मतलब तू मेरे आंखों पे रोशनी डाल रहा है? नहीं मैं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बिरजू को दिखा रहा था। तेरी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बिरजू, तेरे पिताजी मुझे मारेंगे। तू मुझसे शाम को गार्डन में मिलना। अभी मैं यहाँ से भागता हूँ। भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पता है बिरजू, लग रहा है ये फिलहाल लेकर हम लोगों को सुनसान जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बूंदा। मैं भी तेरा आइडिया फ्लॉप कर दूंगा, मैं देखता हूँ तू कैसे जाता है। माफ करना बूंदा, ये तो मैं ले लिया हूँ। ये देख बूंदा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश। हाँ, ये कौन मुझे मारा? मेरा सिर फट गया। ये क्या, झाड़ी के पीछे कौन है? शैतान लड़को, मुझे फिलहाल खींचकर मार रहे हो? मैंने हमदा मारा है। हमदा तुम मुझे मारा है? रुक, मैं तुझे मदद चाहता हूँ अभी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हमदा, तेरा खुद के बनाए गड्ढे में तू खुद ही गिर पड़ा, मजा आ गया। खुशी, ये शाम बड़ा सुहाना है, साइकिल चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो ना खुशी,
वहाँ पे एक आदमी माइक लेके कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। चलो जाके देखते हैं क्या बोल रहा है। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। हमारे क्लब में मछली पकड़ने का प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। जिसे इसमें भाग लेना है वो अपना नाम लिखा दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो लूसी और टॉम को पता चलने से पहले हम लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में नाम लिखवा के आ रहे हो क्या? हाँ, तुमसे मतलब? नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मैं उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। तुम लोगे तो हार ही जाओगे, जीतोगे नहीं। बेकार में क्यों हारने आ रहे हो मुझसे? वो तो कल ही पता चलेगा कौन हारता है। देख लिए पुशी, हम लोगों से पहले ही वो नाम अपना लिखवा दिया है प्रतियोगिता में। कुछ भी हो, जीतेंगे तो हम लोग। जो मैं बोला हूँ तुझे याद है ना टॉम? तुम चिंता मत करो आंटी जो, कल बाजार से मछली खरीद कर लाई थी बड़ा वाला। तुम जब मछली पकड़ोगे प्रतियोगिता में, तब मैं पानी के नीचे आके मछली तुम्हारे छीप में अटका दूंगा और तुम जीत जाओगे। और मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाऊंगा। हा हा हा। दी, उसका चमचा टोम कहाँ गया है बता सकते हो? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लूसी ये देखो, मेरे छीप में एक मछली फंसा है। अभी तक तो तुम्हारे छीप में एक भी नहीं फंसा। फंसेगा फंसेगा, इतना बड़ा मछली फंसेगा कि तुम लोग देख के बेहोशी हो जाओगे। हाँ देख लेना। देख लिए पुशी, मछली पकड़ना किसे कहते हैं? तुम लोग जैसा छोटी छोटी नहीं, इसी को कहते हैं स्मार्ट बॉय। ये मछली जाना पहचाना लग रहा है। आंटी तो कल बाजार से इसे खरीद के लाई थी ओ प्रतियोगिता जीतने के लिए। ये ऐसा किया है, आंटी घर पे नहीं है इसीलिए। रुको, कल मैं इसे बताऊंगा। आज के प्रतियोगिता में जीते हैं मिस्टर लूसी। लूसी और टॉम हम दोनों को बेवकूफ बना के प्रतियोगिता में जीत गए। रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कल सुबह आंटी वापिस आ रही है, तभी बताऊंगा। क्या बात है पुशी, आज अकेले क्यों आए हो? कल हारने के बाद शर्म के मारे तुम्हारा साथी भाग गया क्या? नहीं नहीं लूसी, वो भागा नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा सा पुरस्कार लेने गया है। वाह ये तो अच्छी बात है, कम से कम अब तो तुम लोग सुधर गए। सुने ना आंटी, यही सच बात है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? रुको मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगी। मर गया आंटी, यहाँ कहाँ से चली आई आंटी? अरे लड़ाई पुसी का ही काम है, यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, भागो। ए ए लूसी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मछली से मेरे ही मुंह पे मारता है। रुक रुक, अभी तेरे को मजा चखाती हूँ। रुक रुक, भाग का आ रहा है, रुक। अरे बाप रे बाप। पुशी देख, देखने में बड़ा मजा आ रहा है ना, आज आंटी इसको मछली की तरह कढ़ाई में तल देंगी। चोर सारा चोरी करके ले गया, मेरा पूरा घर लूट कर ले गया, चोर की सत्यानाश हो। क्या होगा, हम लोग अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, रोने की आवाज न
नदी के किनारे वाले गांव से आ रही है, जाके देखूं क्या हुआ है। हाय हाय, बाजार में अनाज बेच कर 100 रुपया लाया था, वो भी चोर चुरा के ले गए, अब मैं सबका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। हम लोगों का सब कुछ लूट गया, क्या होगा? इन्हें क्या हुआ है भाई साहब, ये रो क्यों रहे हैं? कल इनके घर चोरी हो गया। ये क्या, कब? लोग आपको तो ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हैं। क्यों? आपको पता नहीं चोर रात को आता है? पूछ रहे हैं चोर कब आया था? नहीं, ये पूछना चाहता हूँ कि चोर कहाँ से आया। दादाजी, घर का करकट हटा कर। हाय हाय, क्या हो गया जी, खाना खाने के लिए एक थाली तक नहीं रख कर गया चोर। वाह, बहुत मजा आएगा, हम लोग केले के पत्ते में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ चोर बर्तन चुरा के ले गया, अच्छा हुआ। चुप मुझो से, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है, चोर तो सारा पैसे चुरा के ले गया, तो खाना कहाँ से खाएगा? घर का करकट भी टूट गया, उसे कैसे ठीक करेंगे? सब लूट गया। ये लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ, हो सके तो महाराज तुम लोगों के लिए कुछ करे। ये क्या, मेरे राज्य में चोरी? कुछ ना कुछ करना होगा। चोर पकड़ाएगा तो क्या कीजिएगा? सबूत के साथ अगर चोर पकड़ाया तो मौत या फिर काल कोठरी। तो फिर महाराज, सबसे पहले पंडित जी को काल कोठरी में डालिए। क्यों क्यों, हमारे पंडित जी को काल कोठरी में क्यों डाला जाएगा? आपको नहीं पता है, वो तो दक्षिणा चुराते हैं। सेनापति, यहाँ राम रहीम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है एक चोर की। महाराज को कुछ सोचने दीजिए। वो तो प्रसाद चोरी करके खाते थे, इसलिए तो वो चोर है। आप बेकार की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काम चोर है, इसलिए आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सच में आप चुप रहिए, एक जरूरी बात चल रही है, उसके बीच आप बेकार की बातें कर रहे है। क्या किया जाए गोपाल? समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा महाराज, लेकिन कवि रत्न जी का मदद चाहिए। चोर पकड़ने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा गोपाल। बस आज शाम को ही। ओह, कल राज खजाने में से 1000 मुद्राएं चुराया हूँ। आज कितना निकलोगे? रोज रात को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, सोच रहा हूँ मैं सो जाऊं। ऐसा करने का मतलब क्या है गोपाल? कैसा मतलब? पूरे राज्य में तो हंगामा हो गया है कि तुम राजमहल में चोरी कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये झूठ है, ये किसी को पता ना चले। सुना हूँ कि गोपाल के घर में ढेर सारा मोहर है, हम लोग चोरी करने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ओए, तू भी आ। ए जी, ताली पे क्या आवाज हो रहा है? लग रहा है चोर आ गया है। मैं जो सिखाया हूँ वो तुम्हें याद है ना? हाँ। तो चिल्लाओ। ए जी, आप रोज रोज इतने सारे मोहर कहाँ से लाते हैं, बताइए ना। राज खजाने से चोरी करता हूँ। हाँ, चोरी करते हैं, अगर पकड़ा गए तो बोलिए मेरा क्या होगा? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा, चुप हो जाओ। सुन लेंगे, जिस दिन पकड़ा जाएंगे तो उस दिन क्या होगा बताइए? मैं कभी नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों क्यों? मैं राजमहल के सामने से नहीं जाता हूँ। तो?
राजमहल के पीछे दरवाजा से मैं जाता हूँ अंदर। लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है, आप उस खजाने के घर में कैसे जाते हैं? रस्सी से? उस छप्पे से रस्सी नीचे लटका कर मंत्र वाला रस्सी से नीचे जाता हूँ। मंत्र वाला रस्सी? वो कैसा है रस्सी जी? मैं एक दिव्य मंत्र जानता हूँ, उस मंत्र के द्वारा चांद की रोशनी में एक अदृश्य रस्सी बन जाता है, उसी से मैं अंदर जाता हूँ और बाहर भी निकलता हूँ। मंत्र क्या है जी? किसी को नहीं बताना। ये लीजिए, मैं आपको छू के प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो सुनो, चांद की रोशनी ओम ह्रीम क्लीम कुट खट बन जा तू रस्सी फटाफट। गुरु चलो राजमहल चलते हैं। हाँ, पर महल में राज खजाना कहाँ, ये तो नहीं पता है? मैं तो जानता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चल। कितना सारा खजाना। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, चांदनी रात में चांद की रोशनी रस्सी बन जा तू फटाफट, मैं नीचे चला जाऊँ झटपट। क्या हुआ क्या हुआ, गिर गया क्या? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। ये क्या, चांद की रोशनी रस्सी नहीं बना है? शायद पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए मंत्र में गलती हो गया होगा। गुरु अब क्या होगा, हम दोनों तो फंस गए। और क्या होगा, राजा हमें मृत्यु दंड देंगे। सच में गोपाल तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज आप इन दोनों चोरों को मुक्ति दे दीजिए और साथ में इन्हें कुछ काम दे दीजिए, रहने का बंदोबस्त और वस्त्र भी। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, देखिएगा समय आने पर ये दोनों चोर ही राज्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो।